तो बी की एजुकेशन के अनुसार कितनी सैलरी रहेगी तो जको भी कैंडिडेट बारह जा रहे हो है बाकी सैलरी रहेगी लाख रुपया लेके तीन लाख रुपया तक भी सैलरी हो उसके बाद काम है और वर्क परमिट को काम है वो यूरोप को भी है ऑस्ट्रेलिया को भी है न्यूजीलैंड को भी है और होंगकोंग को भी है, है।, है। जतो भी खानो पीणो अकोमोडेशन फूड है वो सब कंपनी प्रोवाइड कराओगी क्योंकि हाँ जी बिल्कुल अगर कोई जय एन एम का ही या फिर जे एन एम का कैंडिडेट ही और पॉलिटेक्निक का कैंडिडेट ही और एक के साथ साथ अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ही तो वह भी बारह जा सके और बाकी सैलरी वगैरह सब बहुत अच्छी मांगी दो ऊपर लगभग सैलरी हो राम राम जी मुक्ष वो जलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है थे भी इंडिया के बारे जा रहे हो और थे यह सोच रहे हो कि भाई कोई अच्छी जगह के द्वारा मैं बारह जावा और चंडीगढ़ जा रहे हो थे दिल्ली जा रहे हो मुंबई जा रहे हो तो थाने ज्यादा दूर जान की बिल्कुल भी जरूरी को नहीं आपने सिक्कर का अंदर ही फिनिक्स कैरियर कंसल्टेंसी तो अंदर आप चाल से अंदर चाल की दिखा से आ कि भाई कठे कठे भेजा जा ही तो बाकी के एजुकेशन रवा है के बाकी सैलरी रवा है सारा को सारो प्रोसीजर है वो आप जान से आ कि भाई कहीं सी जा सके है के सैलरी रवा है और ऑल टोटल बात ही बाजापा करांगा अभी आपने साथ में मैम ही डॉक्टर प्रेम पायल जी अणु आप बातचीत कर हैं और पूरे को पूरा प्रोसेजर है तो प्रोसेजर है, कहीं ऐसी है, है कि किताब दिना के लिए जाए और जो भी थारे मन में जो सवाल आ रहे हैं बाका सारा का सारा जवाब मैम मैं मैं देने तैयार बैठे तो मैम स्वागत है पहले मेरा यही सवाल की विदेश में जान के लिए कितनी तो उम्र होनी चाहिए और के एजुकेशन हो है? आ, तो विदेश में जान के लिए नॉर्मल जो आ, एज है है, की, साल तक, आउट होना चाहिए <laughs> मतलब कि दसवीं करियड होना चाहिए और आगे चाहे कितनी भी पढ़ाई होनी चाहिए बिल्कुल मिनिमम टेंथ पास चाहिए आगे कति भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन वगैरह है तो बहुत ठीक है तो भी की एजुकेशन के अनुसार कितनी सैलरी रहेगी तो जको भी कैंडिडेट बारह जा रहे है बाकी सैलरी रहेगी लाख रुपया लेके लेकी तीन लाख रुपया तक भी सैलरी हो सके बाकी और एजुकेशन के पास जो बात करा तो देखो एजुकेशन ये है कि बारह देश में स्किल ज्यादा मैटर करे क्योंकि एजुकेशन बीए भी, भी कर रहा कि बीए भी, भी, भी कर रहा कि लोग अगर देखो एक तो देखो नॉर्मली यहाँ है कि भाई दसवीं बारहवीं पास वजन ज्यादा इंग्लिश जाने और एक को फराटेदार इंग्लिश आ रही है वो कोई भी बात है सठ दिन से जवाब दे दे देना भी को भी तो एक देखो जाना हाँ इंग्लिश अगर जी की स्किल इंग्लिश अच्छी है लैंग्वेज अच्छी है तो भी की सैलरी नो डाउट अच्छी होगी और मान लो नॉर्मल की नॉर्मल की लाख रुपया तो है ही लाख रुपया कम कम सुकम सैलरी है और देश की आप बात करा तो कौन सा कौन सा देश में थे भेज रहे हो इंडिया के बारे में तो आफनेकन जाए की है वर्क परमिट को काम है और वर्क परमिट को काम है वो यूरोप को भी है ऑस्ट्रेलिया को भी है न्यूजीलैंड को भी है और होंगकोंग को भी है ऑस्ट्रेलिया यूरोप और न्यूजीलैंड है, है बाकी अंदर तीनों चार महीना को प्रोसेसिंग टाइम लगा हुआ और जगह प्रोसेसिंग टाइम जाए कि मतलब बिम टाइमिंग पीरियड ही है तो ये और जो है अगर डॉक्यूमेंट है आपको वेरिफिकेशन है कंप्लीट को टाइम है आम तीन चार महीना को टाइम लगा और अगर कोई इमीडिएट अगर ज्वाइनिंग की जरूरत है तो वह होंगकोंग जा सके हांगकॉन्ग के अंदर है ना एक महीना के अंदर ज्वाइनिंग वर्क परमिट क्या हुआ है वर्क कोई भी मतलब यूरो भेज है, तो बा खुद, आ, हायर करेगी कैंडिडेट लेटर वगैरह लिखे हुआ की कत सैलरी है वो हायर हुए हुए हैं और के टाइम भी की ज्वाइनिंग वगैरह है बस सारी कंप्लीट चीज वर्क परमिट पर लिखी सब कुछ लिखे हुआ सैलरी और बेगो खानो सब कंपनी प्रोवाइड करवाओगी बस सब कुछ वर्क परमिट पर आऊंग जैसे सैलरी की बात करी लो कोई की डेढ़ लाख सैलरी है और भी को खानो पीनो जो तो भी खर्चो पानी है वो कंपनी देसी या खुद आपके वो जो तो भी खानो पीनो रहनो है अकोमोडेशन फूड है वो सब कंपनी प्रोवाइड कराओगी क्योंकि भारत देश में जया मतलब खानो पीनो को लाख रुपया ज्यादा चार्ज बैठ जाए

Uh, सारी की सारी बातें ही वै करो अगर थेड़े कोई ने भी बेज रहे हो भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई भी समस्या आ रही है तो वो किसको कांटेक्ट कर सी तो आप बेसिकली तो आप वर्क परमिट पर भेज रहे हैं कंपनी में भेज रहे हैं तो जो भी अगर भी भीजन के बाद में भी के अंदर कंपनी में भी कोई भी समस्या हुआ तो कंपनी ही खुद भी को सोल्व करेगी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह देनो सारो कुछ काम कंपनी करेगी और अगर बी का अलावा कोई समस्या हो जाए मतलब इन हम भेज रहे इन कोई काम वगैरह नहीं मिल रहे है या फिर कुछ और कोई समस्या हो जाए तो बी का जिम्मेदार अगर मैम कोई कन प्रोफेशनल डिग्री है जाए कि भाई इंजीनियरिंग है डॉक्टर है तो स्टूडेंट स्टूडेंटान भी थे बारह रहे एस okay? हाँ जी बिल्कुल अगर कोई जय एन एम का ही या फिर जे एन एम का कैंडिडेट ही और पॉलिटेक्निक का कैंडिडेट ही और एक के साथ साथ अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ही तो वह भी बारह जा सके और बाकी सैलरी वगैरह सब बहुत अच्छी बाकी दो सैलरी होगी बाको जय लो कि प्रोसीजर हुआ है सेम वही प्रोसेजर सेम सेम डॉक्यूमेंट्री प्रोसेसर, सेम प्रोसेसर लगभग है भाई बाकी क्वालिफिकेशन डिग्री वगैरह होगी बस सब कुछ बाकी सीवी वगैरह होगी बस सब जनरेट करनी पड़ेगी नॉर्मल नॉर्मल चीज प्रोफेशनल यानी भाई बढ़िया भाई एजुकेशन कर रखी है बढ़िया बाकी डिग्री है प्रोफेशनल

कुछ लोग है जो छुट्टी आके जा रहे हैं और आग, वापस मतलब वगैरह हो रही है तो जता भी अब कैंडिडेट भेजे जो भी ही, भे सारा काम कर रहे हैं दो चार महीना नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 दो चार महीना साल भर को है साल भर करके आ रहे हैं जय नौ महीना को नौ महीना करके आ रहे हैं कॉन्टेक्ट खत्म होने के बारे बाद में आ रहे हैं और अगेन बाको री वगैरह सब बन शेड्यूल वाइज बामिट की बात यो कितना दिन को रहे तो वर्क परमिट की आप बात करा तो यूरोप है न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया है बम सम मतलब दो दो साल को वर्क परमिट है और दो साल के बाद में वर्क परमिट जो है वो रिन्यूएबल है और यूरोप है ना यूरोप के अंदर जो मतलब पांच साल के बाद में बान ग्रीन कार्ड वगैरह है तो वो भी मिलते हैं पर कोई या को आदमी है मान लो अठे काम कर रहे है और वो ही काम बिन बठे करनो पड़ रहा है और बिन बड़ी एक्सपीरियंस है तो भी का कितना रुपया उसकी और विदाउट एक्सपीरियंस देखो एक्सपीरियंस अठारह कोई मैटर कौन करे मैटर सिर्फ स्किल करे लैंग्वेज करे अगर इंग्लिश अच्छी है तो

और अगर कोई भी कैंडिडेट के सागर अगर बता रहे हैं वो काम नहीं मिले नहीं मिली है तो भी का जिम्मेदार जो, जो भी, जो भी करांगा और मतलब बिन वापस जय आप खड़े भेज दी और बिन काम नहीं मिल रहे है तो बिन अपनी जिम्मेदारी होगी बिन वापस बुलाने की अच्छा जय लो भाई थारकर ने कोई भी इंसान है वो आ... તારે જો બી માનો કે વાત આપ શ્રી બિલકુલ બિલકુલ તો જો બી રૂપિયા વગેરે હી ફ્લાઈટ વગેરે બસ સારી થારી ઓસ બિલકુલ બિલકુલ બી કેસ મે પૂરી આફણી હોગી આપણો મકсад કોની કઈ ભી બેરોજગાર હે વો ઠાઉ કઠિન ગઢે બેરોજગાર હે ઇલી બારા જા રયો હે ઓર બી કે સાગે કોઈ ભી તરીકો કો કામ હોય કોઈ ફ્રોડ હોય ઓર હોય તો બો કામ આપણો મકсад હી કોની હો મતલબ બિન પ્રોપર આફા એક જોબ દિલાન કે ગેરંટી આફા લે રહ્યા તો બીકેસ સાગે આપા એની ટાઈમ આફા ખડે આરાહ ਮੈਮ ਅੱਜਕੱਲ ਫਰੋਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਬਾਰੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬਸ 2 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਆਪਸ ਰਿਟਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰ ਟਰਸਟ ਕਰੀ ਲੋਗ ਕੋਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉ ਕੈਸੀ ਕਰੋ ਤੇ नहीं बिल्कुल देखो फ्रॉडिंग बहुत ज्यादा हो रही है बारह के काम के लिए हो रही है भी चीज़ को आफा भी माना हाँ लेकिन आफनो कोई मकसद को नहीं की कोई तरीकों को कोई फ्रॉड करा क्योंकि आफा एक जमीनों जुड़ेड़ा आफन बेरो है कि कहीं की तरीकों पिस आ रहे हैं कि तरीकों लोग बेचारा इतना परेशान ये लिए बारह जा रहे नहीं तो अपने देश में काम कर ली तो वो आपको मकसद को नहीं है बिल्कुल भी आफा बाकी मतलब जब तक काम नहीं दिला दिया पतो कॉन्टेक्ट नंबर ही बस सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाए वीडियो ज्यादा में ज्यादा शेयर करना है और इंडिया के बारे में कोई भी जानो चाहिए ही बात तक यो वीडियो जरूर पहुंचा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर बता बताजो राम राम धन्यवाद